तो अब जो नेक्स्ट है वो है स्पेशल टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, इस जिसमें कि पहली सब कैटेगरी है। इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस है वो एक फ्लावर की तरह दिखता है, लेकिन असल में उसके अंदर बहुत सारे फ्लावर होते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये इन्फ्लोरेसेंस है और इसी के अंदर काफ़ी सारे फ्लावर्स प्रेजेंट हैं, मेल एंड फीमेल्स दोनों। ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है? ब्रैक्ट्स हैं, और ये ब्रैक्ट्स जो होती हैं वो चारों तरफ से फ्लावर्स को कवर कर लेती हैं। जैसे कि आप इस वाले डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो एक ब्रैक्ट्स हैं इन्होंने ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर में फ्लावर्स को कवर कर लिया है, और इन्हीं ब्रैक्ट्स को हम बोलेंगे कप ऑफ इन्वोल्यूक्यूल, यानी ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट्स जो कि कप लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म हो गया है। इसी इन्वोल्यूक्यूल में मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो फीमेल फ्लावर है वो सिर्फ एक ही क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ओनली वन फीमेल फ्लावर इज प्रेजेंट। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे है फीमेल फ्लावर, या जो आप नीचे देख रहे हैं ये है पेडिसिल, और ये ऊपर की तरफ है ये है फीमेल फ्लावर, यानी ये जो स्टिग्मा शो हो रहा है यहाँ पे। और कई सारे मेल फ्लावर्स भी प्रेजेंट होते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे मेल फ्लावर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो सियाथियम इन्फ्लोरेसेंस है, ये लगता बाहर से ऐसा है कि एक ही फ्लावर है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे फ्लावर होते हैं। एक फीमेल फ्लावर होता है और काफ़ी सारे मेल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप इस वाले सेक्शनल डायग्राम में देख रहे हैं। पिस्टिलेट फ्लावर यानी फीमेल फ्लावर है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे ही इन्वोल्यूक्यूल के टॉप पर नेक्टर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। स्टेमिनेट फ्लावर यानी मेल फ्लावर प्रेजेंट है। ये एक और डायग्राम है सियाथियम का, और इसकी टाइप है यू4बीएसी फैमिली, यानी यू4बी अभी इसमें ही आएगा। अब नेक्स्ट है वर्टिसलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस, जिसका एग्जाम्पल लेमिनेसी फैमिली। इसमें क्या होता है, ये एक तरीके का साइमोस टाइप ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। हमने साइमोस में क्या पढ़ा था, इसमें क्या होता है, ये एक तरीके का डाइचेजियल और मोनोचेजियल साइम ही है, जिसमें कि ये शुरू में डाइचेजियल साइम की तरह बिहेव करेगा, नेक्स्ट मोनोचेजियल साइम की तरह बिहेव करेगा। और मोनोचेजियल में भी कौन सा, स्कॉर्पियोइड। इसमें होता क्या है, जैसे कि ये मेन एक्सिस है, साइम का मॉडिफिकेशन यानी टॉप पे फ्लावर देखने को मिलेगा, और डाइचेजियल है यानी दो ब्रांचेस फॉर्म होंगी। तो यहाँ तक तो हमने सेम डाइचेजियल में पढ़ा था, अभी शुरू में डाइचेजियल की तरह दिख रहा है लेकिन बाद में मोनोचेजियल हो जाता है, यानी कि ये वाली जो इसकी दो ब्रांचेस हैं इन दोनों में से फिर एक ही ब्रांच फॉर्म होगी, और कैसी फॉर्म होगी, स्कॉर्पियोइड, यानी एक राइट तो दूसरा लेफ्ट, एक राइट तो दूसरा लेफ्ट। तो शुरू में ये डाइचेजियल की तरह होती है, बाद में ये मोनोचेजियल की तरह हो जाती है। ये रहा इसका स्कीमेटिक डायग्राम, जिसका एग्जाम्पल है लेमिनेसी फैमिली। नेक्स्ट है हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस, जिसका एग्जाम्पल है फाइकस। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था सियाथियम में, उसमें क्या था, ब्रैक्ट ने ऐसे कवर कर लिया था फ्लावर्स को। इसमें क्या होता है, जो पिडंकल होता है वही फ्लैसी हो जाता है और कई सारे फ्लावर्स को ऐसे कवर कर लेता है। इसमें जो आप ये देख रहे हैं, ये पेडंकल है जिसको अब हम बोलेंगे रिसेप्टेकल, जो कि कप लाइक फॉर्म में कई सारे फ्लावर्स को अंदर कवर कर लेता है, और इसके अंदर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स दोनों देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप इस वाले डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो पेडंकल है ये ऐसे फ्लैसी हो गया है, मोटा हो गया है, और इसके अंदर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट। जो आप नीचे देख रहे हैं ये है फीमेल फ्लावर्स, और ये जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं ये है मेल फ्लावर्स, और बीच में दो फीमेल फ्लावर की तरह दिखते हैं, लेकिन ये इनफर्टाइल होते हैं और इनको हम गॉल फ्लावर्स कहते हैं, इनफर्टाइल होते हैं। नीचे जो होंगे वो होंगे फीमेल फ्लावर जो कि फर्टाइल हैं, ऊपर मिडल में जो है देखने को मिलेंगे गॉल फ्लावर्स जो कि इनफर्टाइल हैं, और जो ऊपर की तरफ है टॉप पे वहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे मेल फ्लावर्स। तो हाइपेंथोडियम में क्या होता है, जो पिडंकल है वही ऐसी फ्लैसी हो जाती है, और इस फ्लैसी पिडंकल को हम कहते हैं रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल जो है अपने अंदर ही कवर करके रखता है मेल एंड फीमेल फ्लावर्स को, और इसके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ गॉल फ्लावर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि इनफर्टाइल होते हैं। और ऊपर जो आप ये ओपनिंग देख रहे हैं इसका नाम होता है ऑस्टियोल, और ये थोड़ी स्केली स्ट्रक्चर होता है। आप इस वाले डायग्राम में देख रहे हैं, ये देखो ये ऊपर जो है ये ऑस्टियोल है, ये नीचे जो है ब्रैक्ट आपको देखने को मिलती है, ऊपर जो है फ्लैसी इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है, यानी जो पिडंकल है वो ही फ्लैसी हो गई है, मोटी हो गई है। नीचे की तरफ हमको देखने को मिलते हैं फीमेल फ्लावर्स, ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलते हैं मेल फ्लावर्स, और बीच में थोड़ी सी क्वांटिटी में इनफर्टाइल फीमेल फ्लावर्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं गॉल फ्लावर्स। तो यहाँ पे हम इन्फ्लोरेसेंस ख़त्म करते हैं, इन्फ्लोरेसेंस में बस इतना ही था। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फ्लावर एंड इट्स स्ट्रक्चर।